हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आप लोग कह रहे होंगे घर की जगह आज गाड़ी कैसे है। तो हम लोग कहीं जा रहे थे सफ़र में, तो सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। अच्छा लग रहा था, हरियाली हो रही थी चारों तरफ, बारिश का मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना बड़ा पुल है, बहुत ही बड़ा पुल था ये। हम लोग को पार करने में करीब 10 मिनट लग गए इस पुल को, तो बहुत ही बड़ा पुल था ये, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया। और इधर देखिए खेतों में कितना सारा पानी भर गया है जगह जगह, क्यों गेहूँ की फसल हो रही है, तो पानी गेहूँ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन सी फसल के लिए कितना पानी चाहिए होता है, बस थोड़ी सी जानकारी है, तो सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ, आप लोग से बांट लूँ। तो बस मुझे इस मौसम बहुत ही प्यारा लगता है। गाड़ी में से हम लोग फुहार आ रही थी, हल्की 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 सी खिड़की खोल रखी थी, फुहार भी आ रही थी, अच्छी लग रही थी, काफ़ी ठंडी हवा लग रही थी, मतलब एसी की ज़रूरत ही नहीं थी। प्रकृति इतना अच्छा मौसम कर देती है कभी कभी कि बस मन खुश हो जाता है, मन हरा भरा हो जाता है। तो ये पुल आ गया, पुल भी हम लोगों ने पार कराया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहाना हो रहा था, हरियाली सब तरफ, बारिश हरियाली। बस मेन रोड बात तो ये है कि रोड बिल्कुल खाली मिली थी हम लोगों को, कुछ गाड़ियाँ निकलती थी क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला था, ट्रैफिक नहीं था। तो बस ये सारा रास्ता हम लोग को साफ मिला, कुछ एक गाड़ियाँ थी जो मिली थी हमने, हमें जो बंद थी या जो खुली हुई गाड़ियाँ थी वो बहुत ही कम चल रही थी, जहाँ कहीं बारिश रुकी थी तो वहाँ तो चल रही थी। तो ये देखिए चिड़िया है, और यहाँ फिर हम लोग को भूख लगाई तो खाना लेके बैठ गई, हम सब लोगों ने खाना खाया। ये देखिए कितना सारा खाना लिए बैठी हूँ मैं, खा रही हूँ मैं खाना, क्योंकि तो भूख लगाई थी। भूख का टाइम हो गया था, करीब 12:30 बज रहे हैं यहाँ पर, तो बस खाना पीना खा लिया हम लोगों ने, खाना रख लिया क्योंकि क्योंकि घर तो है नहीं कि आराम से बैठ कर खाएँगे फिर लेटेंगे। तो बस फिर चल दिए हम लोग चल के सफ़र में। ये देखिए आप लोग, यहाँ पता नहीं ये क्या था, पुल सा ही बन रहा है, कुछ नया पुल वगैरह का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, तो ये उसके सारे वो लगे हुए हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं ये क्या, ये देखिए एक इस पर गाड़ी जा रही है, दूसरे 6 लाइन का पुल बनना है, ये रोड बनना है। तो बताए थे हस्बैंड जी कि इस तरह करके बन जाएगा 6 लाइन का, तो बहुत ही यात्रा में सावधानी वो हो जाएगी, सावधानी भी हो जाएगी और इतना रोड जाम भी नहीं होगा, क्योंकि सड़कों पर आजकल रोड जाम बहुत हो जाते हैं, कहीं भी जाओ तो जगह जगह जाम मिल जाते हैं। लेकिन बारिश के मौसम हम लोग को जाम कहीं नहीं मिला, सारे रास्ते खुले हुए मिले, अच्छा लग रहा था मौसम, बहुत ही अच्छा लग रहा था जाने में। ऐसा लगता है कि बस सफ़र ही करते रहो ऐसे मौसम में, कहीं रुको मत, सफ़र ही करते रहो। और ये एक मूर्ति है जहाँ पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपनी सूंड पर उठाया हुआ है, ये उनका अवतार है ये, तो आप लोग भी देख लीजिए प्लीज़। जो लोग यहाँ गए होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा जगह जगह थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी हम लोगों ने, तो बस पहुँच गए थे हम लोग थोड़ी ही बहुत देर बाद वहाँ पर। रास्ता इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था घर मत जाओ और बस यहीं सफ़र ही करते रहो, चलते ही रहो गाड़ी में। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए घर पे, तो छोटी सी वीडियो बनाई थी, आई होप आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।